हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजी मॉम सोलन एचपी में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और यही दुआ करती हूँ भगवान जी से। और फ्रेंड्स, आज सेकंड शनिवार है और 10 तारीख है, 10 अगस्त है। और फ्रेंड्स, मेरे पास मतलब जियो वाला रिचार्ज नहीं था तो मेरा इसीलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, और क्योंकि नेट नहीं होता तो नहीं चल अपलोड नहीं होता, और एयरटेल है वो उसमें नहीं होता तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती थी। अभी भी नहीं है, पता नहीं जब मैं रिचार्ज करूँगी तब अपलोड कर दूँगी आज वाला व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कल रात को मेरे को बहुत बिल्कुल भी नींद नहीं, बहुत परेशानी थी और ऐसी टेंशन सी रही रात को। मतलब मेरे ख्याल मुझे लगता है कि मैं सोई 10 बजे और 12 बजे आँख खुल गई, और सुबह 4 के बजे मुझे नींद पड़ी। पाँव में जलन हुई बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब रही भी मेरी। और कल दिन को भी मैंने वीडियो शूट की थी। लोगों को लगता है ना कि इसका तो यही काम है, बस नाचने का काम है और ये करती है, पर गाइस मैं महीने में या फिर 15 दिन में एक दिन में शूटिंग कर लेती हूँ, फिर उसको ये पब्लिक करती रहती हूँ। लोगों को लगता है इसको डेली का यही काम है, दिन रात नाचने का काम करती है, पर यह मेरा शौक भी है, मेरे को इंटरेस्ट भी है इसमें, और अपने लिए करती हूँ बस ये कि जब तक हमारा बुढ़ापा आएगा, मैं ये नहीं सोचती कि मैं मुझे अभी मरना है, मैं ये सोचती हूँ कि मैं बुढ़ापे तक इसको देख देख के हंसती रहूँ, क्योंकि मुझे इतने खास ज़्यादा डांस भी नहीं आता, कुछ एक्टिंग करने भी नहीं आती, बस ऐसे ही है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मटक लेती हूँ, सच में बता रही हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता, पर लोगों के लिए कॉमेडी है, लोगों के लिए वो जेलसी है, लोगों के लिए जो मर्जी है, पर ये कि मैं थोड़ा बहुत ही कर लेती हूँ और एक दिन में शूटिंग करती हूँ 15-20 दिन में, और डेली डेली मेरे पास टाइम नहीं होता, अपना भी मेरे पास काम होता है। और कल भी हमने बर्तन नहीं धोए रात को, ऐसे बर्तन ऐसे ही पड़े हुए, थक गई थी, टांगों में दर्द हो गई थी, फीवर हो गया था कल जब मैंने शूटिंग की अपने शॉर्ट वीडियो के लिए। तो अभी छुट्टी है स्कूल की, राजीव अभी उठा है, 8 बजने वाले शायद, हाँ 8 बज गए, ये 7:30 बजे उठ गया था। मैं भी सिर्फ मैंने अपना रजाई उठा के साइड में रखी है, ऐसे ले लेती हूँ रजाई, कभी रात को ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है। और फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ घर का काम, अभी बर्तन भी धोने को है, सारा काम करने को ही है। और राजीव भी किचन में खड़ा हुआ हुआ क्या कर रहा है मैं देख लेती हूँ जाकर। क्या कर रहा राजू है? क्या देख रहा है इसमें, क्या देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा, इसको गुस्सा ही बहुत आता रहता है, भी ब्लॉग की मारती हूँ, पर जो है हकीकत वही तो है, हकीकत है। अभी मैं इसका बिस्तर दिखाती हूँ आपको, इसने बिस्तर नहीं उठाया, वैसे ये जैसे उठा वैसे ही चला गया है। देखो ये टॉयलेट जाके आया, ब्रश किया इसने, फिर वहाँ देख रहा हूँ ना ये कुछ काम भी काम करना कि क्या, बस अभी बिस्तर उठाएगा ये और फिर मैं अब कर लेती हूँ काम स्टार्ट, और व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके साथ। और ये है मेरा बेड के हालात ऐसे, और मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है कल, ये देखना कल मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। फ्रेंड्स, मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए, थोड़े से कपड़े थे धोने को वो डाल दिए, अभी इसकी ड्रेस भी है वो भी धोऊंगी, और पानी भी लगाया है गर्म करने के लिए, क्योंकि बर्तन ऐसे पड़े हुए तो गर्म पानी से धोऊंगी। वैसे तो मैं डेली धो देती हूँ, और ठंडे पानी से गैस गास सब कुछ साफ़ करके फिर सोती हूँ। रात को तो मैंने खाना भी नहीं खाया गया मेरे से, मैंने बनाए थे अरबी वाली सब्जी, तो उससे मतलब मेरे को बहुत पेट में, तो जैसे मैंने खाया जब एक बुर्की खाई थी और वही पेट में गई, और उसी टाइम मेरे को पेट में बहुत जलन और बहुत ज़्यादा दर्द हुई, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, दही खाया थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, बातें ज़्यादा हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ काम, और पहले बर्तन भी धो लेती हूँ। और गाइस, मैंने मेहंदी लगाई थी, पहले तो ऐसे लग रहा था कि नहीं लगेगी, फिक्की फिक्की सी, और अब इसका इतना अच्छा कलर आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और कैसा लग रहा है मुझे आप
बताना कैसी लगी मेहंदी। मैंने खुद ही लगाई थी ये, और आपसे मैं कोशिश करूँगी, बस पक्का नहीं बोल सकती डेली ब्लॉग डालने की, क्योंकि अगर रिचार्ज हो गया मेरे से तो मैं कर पाऊँगी, और नहीं तो फिर नहीं, और कर लेती हूँ घर का काम। फ्रेंड्स, ऐसे किसके कपड़े उलझते हैं मेरे को बताना, मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो इसकी इसको कैसे ठीक करें, क्या होता होना इसमें मेरे को समझ नहीं आता, बहुत उलझ जाते, गांठे गांठे पड़ जाती है, इसका कारण मेरे को बताना भी कैसे ये ठीक होए कि भी कपड़ों में गांठे ना पड़े। जब भी धो के हटती हूँ ना कपड़े तब भी ऐसा होता है, अभी मैंने राजीव के डाले हैं और गांठे गांठे पड़ चुकी हैं इन कपड़ों में। फ्रेंड्स, मैंने बनाए थे काबली चने और चावल और चपाती, कपड़े भी धो दिए, और ये देखो इतने से चावल बच गए हैं, ये चावल बच गए हैं, और ये काबली चने लंच में भी हो जाएंगे, और इसमें मैं रखती हूँ रोटी, अपनी चपाती गर्म गर्म इसमें रख देती हूँ, चेन लगी हुई इसमें, और बस इसमें अपने चपाती रख देती हूँ, दो चपाती इसमें बच चुकी है अभी, और हाय हाय अभी फिर से बर्तन हो गए धोने को, बस काम ही काम काम ही काम, और राजीव हर टाइम लगा रहता है फ़ोन में, और इसने मेरे को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया ना इस बच्चे ने, पढ़ाई भी नहीं करता बिल्कुल भी, पढ़ाई भी नहीं करता है, बस इसको बस ये जैसे दिहाड़ी होती है ना, अभी तेरे को हम पैसे देंगे तो फोन में लगा रहे, ना ये पानी लेके आता है, जैसे हम पानी के लिए ना, फ्रेंड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ ना पानी के लिए, जैसे वहाँ पर टंडल है, टंडल बोलते हैं हमारे रेलवे लाइन का टंडल है, तो वो वहाँ पानी के लिए जाता है ना, ये शाम के लिए टाइम जाता है जब खूब सारे बच्चे भी होते हैं, और तो सुबह का काम मैंने सारा निपटा दिया था, बर्तन मैंने धो दिए, कपड़े मैंने धो दिए, और खाना मैंने बना दिया, खाना भी खिला दिया है, साफ सफाई भी की है, इसने सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई की है, यहाँ झाड़ू लगाया था इसने, देखना यहाँ इसने अपना कमरा चमका दिया था ऐसे, है झाड़ू भी लगाया था इसने, तो मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स को, सभी को भी झाड़ू भी लगाया था इसने इस वाले कमरे में, तो मेरे कमरे में इसने झाड़ू नहीं लगाया ना कोई साफ सफाई की भी थी, चलो उसका तो मैं अपना आप ही करती हूँ। और फ्रेंड्स अभी फिर बर्तन हो गए धोने के लिए, कितने इतने से बर्तन हुए हुए भी धोने के लिए, दो प्लेटें मेरी यहाँ रखी थी, और ये बस इतने से बर्तन, इसमें चटनी पीसी भी, और बस ऐसा कंडीशन है, और इसने अभी खीरा काटी तो यहाँ जैसे छिलके काट दिए इसने, और कुकर भी अच्छे होने को है, और ये गाय वाली रोटी रखी हुई हमने यहाँ पे गाय को देने के लिए, तो बस ऐसे ऐसे काम होता रहता है दिन रात, जब देखो इसकी ड्रेस वगैरह सब कुछ धो दिए मैंने, और वाले कपड़े मैंने धो दिए थे, इधर को भी धोए हुए दिखने रहे शायद यहाँ पे, इतने इधर को भी धो दिए, इधर को भी धो दिए, बहुत सारे कपड़े धोए हुए, और आज तो हमारे पानी की दिक्कत होती है, ज़रा सी बारिश हुई और पानी नहीं आता। फ्रेंड्स मेरे ना बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और इसका कुछ इलाज होगा तो बताएं, वैसे तो बोलते हैं जिनको डायबिटीज होती है उनके बाल तो ऐसे गिरते ही रहते हैं, तो पता नहीं अब सच है कि झूठ है, और बहुत ज़्यादा बाल झड़ते रहते हैं। बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे मेरे, और पता नहीं क्यों अब छोटे छोटे बाल रह गए, छोटे छोटे बाल, और एक साइड को
करती हूँ, दूसरी साइड को उलझ जाते बार, एक साइड को सुलझाती हूँ, एक साइड को उलझ जाते फिर बार, बहुत गुच्छे निकलते बारों के। बस अब ऐसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दूंगी अपने बालों को। और फ्रेंड्स मैं शॉर्ट भी डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ शॉर्ट भी देख लीजिए करें मेरी वीडियो को, शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स लहसुन को आसानी से कैसे छील जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है लहसुन को कैसे छीलते हैं। और मैंने इसको पहले बाउल में डाल दिया है और अब मैं इसको इसमें पानी डाल दूंगी। पहले इसको मतलब अच्छी तरह धो दूंगी थोड़ा सा। अब मैंने इसको धो दिया है और कोई तो ऐसे निकल गए इसके छिलके और ये खराब होने वाला लग गया था और इसके छिलक 5 मिनट में कैसे निकलेंगे इतने सारे के। ये हो गए किलो के, 1.25 किलो तो है ही ये। और अब मैं इसको अच्छी तरह से आपके सामने छील के कैसे बताती हूँ। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी लहसुन। अब देखो इसके छिलके ऐसे निकल के आ रहे हैं ऊपर बिल्कुल, और थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही इसको हम स्टीम करेंगे। देखो ऐसे निकल के आ रहे हैं छिलके, अपने आप ही निकल रहे हैं। ये देखना छिलके अपने आप ही निकल के आ रहे। हम गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। बस अब गैस बंद हो गया और अब मैं इसको तेले को खाली कर देती हूँ। देखना फ्रेंड्स ऐसे निकल गए ये सारे, और अब इसको मैं ठंडे होने देती हूँ थोड़ा सा, बहुत गर्म है। सारे छिलके निकल चुके हैं इसके। ये देखिए ऐसे मैंने लहसुन को छील दिया है और ये इसके छिलके निकल गए हैं। और थोड़ी सी मेरे को इसमें हाथ से मदद हेल्प करनी पड़ी, क्योंकि ये थोड़े से लाभ वाले हो गए थे। इसमें जो धूप नहीं लगी हुई थी, अगर धूप लगी होती ना तो हमारे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है धूप में सेकने के लिए। और ये देखना कैसे इतने अच्छे अच्छे बने हैं। इसके आप अचार भी डाल सकते हैं और इसको सुखा कर आप पाउडर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स जो महिला जॉब करती है उनके लिए बहुत दिक्कत होती है भी जल्दी जल्दी से लहसुन छीलने के लिए। तो आप ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा लहसुन ना लिए, थोड़े थोड़े से लिए, मेरे पास ख़राब होने वाले थे तो मैंने तो ये सारे ही कर दिए हैं। तो उससे बाद फिर ये मैं पाउडर बना लूँगी इसको आकर इसका, चाहे जैसे मर्जी। हम इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम जब भी हमने सब्जी बनानी, दाल बनानी, आपने थोड़े से निकाला, थोड़ा सा एक आधा सा चम्मच
पाउडर का निकाल लो या फिर ऐसे ही आप डब्बे में रख दो। मैंने अखबार पे इसको ऐसे बिछा दिया है ताकि इसमें थोड़ी सी सीलन होगी वो भी आराम से निकल जाएगी और सूख जाएगा आराम से, और कूड़ा भी इसमें ये निकले छिलके ये भी सूख जाएंगे। और आपको कैसे लगा ये भी?